सबसे सुनहरा सीसा और काली बहू। महेश्वरी अपने दोनों बेटों राजीव और रौनक के साथ राजस्थान के एक छोटे से शहर में रहा करती थी। हाल ही में उसने अपने बेटे राजीव की शादी सुनीता नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से करवाई थी। सुनीता दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और इसी वजह से उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत ज्यादा घमंड था, लेकिन फिर भी महेश्वरी सुनीता को बहुत माना करती थी और हमेशा उसकी खूबसूरती की तारीफ किया करती थी। ऐसे ही आज भी, देख लिया ना राजीव बेटा तुमने अपनी माँ की पसंद, मैं तेरे लिए कितनी सुंदर पत्नी लेकर आई हूँ। अरे मोहल्ले की सारी औरतें सुनीता की खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थक रही थी। अब देखना मैं अपने रौनक के लिए भी इतनी ही सुंदर बहू ढूंढ कर लाऊंगी। लेकिन माँ, मेरे लिए इंसान का रंग रूप कोई मायने नहीं रखता, इंसान तो मन से सुंदर होना चाहिए, तन से नहीं। अरे बेटा तुझे नहीं पता, आजकल के जमाने में सुंदर लोगों को ही सब मानते हैं, और जब माँ सुंदर होगी तभी तो आने वाला वंश भी आगे सुंदर होगा। ऐसे ही कुछ महीने और बीत जाते हैं और इस बीच रौनक को अपनी कंपनी में काम कर रही रानी नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है। रानी दिखने में बहुत ही ज्यादा काली थी, लेकिन वो मन की बहुत ही अच्छी और साफ दिल की लड़की थी। लेकिन रौनक को तो ये बात पता थी कि उसकी माँ काले रंग वाले लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, उनके लिए सुंदरता ही सब कुछ था। इसलिए रौनक बिना किसी को बताए रानी से मंदिर में शादी कर लेता है और शादी करने के बाद वो रानी को अपने साथ अपने घर ले जाता है। लेकिन एक काली लड़की को अपने बहू के रूप में देखकर महेश्वरी का पारा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है और वो गुस्से में कहती है, हे राम, रौनक बेटा ये कौन सी काली अमावस्या को उठा लाया है तू? अरे तुझे पूरी दुनिया में इसके अलावा और कोई लड़की नहीं मिली थी क्या? तूने तो मेरी नाक कटवा के रख दी। अरे अब देखना मोहल्ले की सारी औरतें कैसे मेरा मजाक उड़ाएगी। महेश्वरी की ऐसी बातें सुनकर रानी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो बिना कुछ बोले चुपचाप घर के अंदर आ जाती है। और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और रानी उस घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा लेती है और घर का सारा काम काज करने लगती है। लेकिन फिर भी महेश्वरी और उसकी जेठानी हमेशा रानी को उसके काले रंग रूप की वजह से ताने मारा करती थी। और ऐसे ही कुछ समय और बीत जाता है, तभी महेश्वरी अपनी बड़ी बहू सुनीता से कहती है, अरे सुनीता बहू, तू मेरी बहन के बेटी की शादी में कोई भी कलर की साड़ी पहन ले, तुम्हारे ऊपर तो हर कलर अच्छा लगता है, लेकिन तू काली बहू कोई ढंग की कलर की साड़ी पहनना और अपने काले चेहरे पर जितना चाहे पाउडर तोप लेना, बस अपना ये काला रंग छुपा लेना जिससे मेरे सारे रिश्तेदारों के सामने मेरी नाक ना कटे। महेश्वरी हमेशा अपनी बड़ी बहू और छोटी बहू के रंग रूप को लेकर भेदभाव किया करती थी और इस बात से रानी को हमेशा बहुत बुरा लगता था। इसलिए वो रोते हुए अपने कमरे में आ जाती है और कहती है, क्यों माँ जी हमेशा मेरे रंग को लेकर मुझे ताना मारा करती है? अरे अगर मेरा रंग काला है तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्या इंसान का रंग रूप ही सब कुछ होता है? उसके मन की सुंदरता, उसकी अच्छाई कोई मायने नहीं रखती क्या? ऐसे ही दो दिन बाद जब ये लोग शादी में जाते हैं तो दुल्हन सुनीता से कहती है, अरे भाभी फोटो शूट के समय आप कोशिश करना कि रानी भाभी मेरे किसी भी फोटो शूट में ना सके, वरना मेरी सारी फोटो फ्रेम खराब हो जाएगी और मेरी शादी के एल्बम में भी उनका काला साया हर जगह छाया रहेगा। अरे मेरी प्यारी नंजी, आप चिंता मत करिए, मैं सब संभाल लूंगी। उसी समय रानी वहाँ आती है और सुनीता से कहती है, अरे भाभी वो माजी ने कहा है जेठ जी को बुला लीजिए फोटो शूट करवाने के लिए। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा रानी मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, तो मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ जाएगी? हाँ भाभी मैं अभी लेकर आती हूँ। इतना कहकर रानी जैसे ही पानी लेने जाती है वैसे ही सुनीता सबको बुलाकर सारी फोटो शूट करवा लेती है और फिर शादी के आगे की रस्में भी शुरू हो जाती है। लेकिन दूर खड़ी रानी जब ये सब देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। इसलिए वो चुपचाप से जाकर एक कमरे में बैठ जाती है और रौनक से कहती है, सुनिए जी मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है, इसलिए मैं नीचे जाकर शादी अटेंड नहीं कर पाऊंगी, मैं यही रूम में ही आराम कर लेती हूँ। इतना कहकर रानी अपना दर्द छुपाए रौनक से झूठ बोल देती है और इसी तरह
हर रोज रानी का किसी न किसी बात को लेकर अपमान हुआ करता था। और जब रानी अपनी सास और अपनी जेठानी के इस बर्ताव से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, तभी एक दिन रानी महेश्वरी से कहती है, माँ जी मैं जरा बाजार जाकर कुछ सामान ले आती हूँ। इतना कहकर रानी बाजार की तरफ चल देती है, लेकिन उसे खुद भी नहीं पता होता कि उसे क्या सामान खरीदना है। वो तो बस कुछ देर अपनी सास और जेठानी के ताने से पीछा छुड़ाना चाहती थी, इसलिए वो कहती है, मैं बाजार के लिए तो निकल आई हूँ, लेकिन मुझे खरीदना क्या है। उसी समय रानी एक दुकान के सामने लगे हुए बोर्ड को पढ़ती है और कहती है, अरे ये क्या है, काले रंग से मुक्ति पाओ और गोरा रंग लेकर जाओ। ये किस तरह की दुकान है, मैंने तो आज तक इस तरह की कभी भी दुकान नहीं देखी। ये तो किसी शीशे की दुकान लग रही है, इसके अंदर तो चारों तरफ बस शीशे ही शीशे दिखाई दे रहे हैं। चलो अंदर चलकर देखती हूँ। रानी जैसे ही अंदर जाती है तो वो देखती है कि दुकान के अंदर एक बहुत ही बड़ा सुनहरा शीशा रखा होता है, और उस शीशे के आगे एक औरत खड़ी होती है जो उसे देखकर कहती है, अरे आओ आओ घबराओ मत, यहाँ तुम्हें तुम्हारा मन चाहा रंग रूप मिलेगा। क्या आपने जो बाहर बोर्ड लगा रखा है क्या वो सच है? हाँ हाँ बिल्कुल, किसी भी काया को बदलने का माया के बाएं हाथ का काम है। तो बताओ क्या तुम्हें अपना ये काला रंग पसंद नहीं है? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो काले गोरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी सास और मेरी जेठानी को मेरे रंग रूप से बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए मैं बस उन लोगों के लिए अपना ये रंग रूप बदलना चाहती हूँ। तो बताइए क्या आप मेरा ये काला रंग गोरा कर सकती हैं क्या? हाँ बिल्कुल, बस तुम्हें मेरे ये जादुई शीशे के अंदर देखना होगा, और याद रखना तुम्हारा ये जादू हर पूर्णिमा की रात को समाप्त हो जाएगा, और अगर उस रात तुम्हारा असली रूप में तुम्हें किसी ने देख लिया तो फिर तुम दोबारा कभी अपने इस खूबसूरत रंग रूप में नहीं आ पाओगी। इतना कहकर वो औरत रानी को जादुई शीशे के अंदर भेज देती है, और जब रानी उस शीशे से बाहर आती है तो उसका रंग रूप पूरी तरह से बदल जाता है और वो दूध की तरह गोरी दिखने लगती है। अरे वाह, मैं तो सच में एकदम गोरी हो गई, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा मैं इतनी सुंदर भी हो सकती हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रानी उस जादुई शीशे से अपना गोरा रूप पाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, और जब रानी अपने घर जाती है तो महेश्वरी उससे कहती है, अरे आप कौन हो और इस तरह हमारे घर में घुसी क्यों जा रही हो? अरे माँ जी ये इतनी सुंदर औरत कौन है? अरे माँ जी जेठानी जी ये मैं हूँ रानी, आप लोगों ने मुझे पहचाना नहीं। अरे रानी तू अचानक से इतनी कैसे बदल गई? अरे बाजार गई थी या स्वर्ग लोक जो इतनी सुंदर होकर आई है? अरे हाँ रानी, तुझे अचानक से ऐसा कौन सा चिराग मिल गया जिसने तेरी काया ही बदल कर रख दी? अरे अब आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? जब मैं काली थी तब भी आप लोग परेशान थे, और अब मैं गोरी हो गई हूँ तब भी आप लोग परेशान हो रहे हैं, इसलिए अब आप लोग ये सब छोड़िए, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। इतना कहकर रानी वहाँ से चली जाती है, और रानी का ये नया रंग रूप देखकर महेश्वरी और सुनीता दोनों ही सोच में पड़ जाते हैं, और वहीं आस पड़ोस में हर जगह रानी की ही सुंदरता की चर्चा होने लगती है, और कई बड़ी बड़ी कंपनियों से रानी को मॉडल बनने के लिए ऑफर भी आने लगता है। यह सब होता देखकर सुनीता कहती है, अच्छा तो ये महारानी मॉडलिंग करेगी और मैं माँ जी के साथ मिलकर दिन भर घर का काम करूँगी? नहीं मुझसे ये सब नहीं होगा, मैं तो कोई बहाना बनाकर अपने मायके चली जाती हूँ। इतना कहकर सुनीता अगले ही दिन अपने पिता की तबीयत का बहाना बनाकर अपने पति को लेकर अपने मायके चली जाती है, और रौनक को भी किसी काम से शहर जाना पड़ता है। तभी उसी रात रानी कहती है, चलो शुक्र है आज घर पर कोई नहीं है, माँ जी भी अपने कमरे में सो रही है, वैसे भी आज पूर्णिमा की रात है, मेरा असली रूप कभी भी वापस आ सकता है। रानी के इतना कहते ही उसका असली रूप वापस आ जाता है, लेकिन उसी समय महेश्वरी के चिल्लाने की आवाज आती है, और रानी बिना कुछ सोचे समझे भागकर महेश्वरी के कमरे में जाती है और कहती है, अरे माँ जी क्या हुआ आपको, लगता है आपको अटैक पड़ा है, मैं अभी आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। इतना कहकर रानी फटाफट से महेश्वरी को लेकर हॉस्पिटल जाती है, और कुछ ही देर बाद महेश्वरी की तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाती है, और महेश्वरी रानी का पुराना वाला रूप देख लेती है, और रानी भी आँख में आंसू लिए महेश्वरी को अपनी सारी सच्चाई बता देती है। उसकी बात सुनकर
महेश्वरी कहती है, मुझे माफ कर देना बहू, मेरी वजह से तुम्हें ये सब करना पड़ा। बल्कि तू तो मन से पहले भी बहुत सुंदर थी, बस मैं ही तेरी इस सुंदरता को नहीं देख पाई बहू। और इस तरह उस दिन के बाद से रानी को घर में हर कोई सम्मान देने लगता है और रानी के मन की खूबसूरती की हर कोई तारीफ करने लगता है। और अब सबको पता चल जाता है कि शीशे के ऊपर की खूबसूरती कोई मायने नहीं रखती है, बल्कि मन की सुंदरता ही हर कोई प्रशंसा करता है। लंगड़ी रानी का सोने का लहंगा और सैंडल। प्रतापगढ़ राज्य की राजकुमारी विशाखा बहुत ही घमंडी और चालाक स्वभाव की थी। वहीं उसके राज्य में कपड़ा सिलने वाली सावित्री की बेटी केसवी बहुत ही दयालु और नेक स्वभाव की थी। एक दिन केसवी महल से काम खत्म करके घर जा रही होती है, तभी वह देखती है कि एक बच्चा सड़क पर बॉल लेने जा रहा है और सामने से तेज रफ्तार से गाड़ी आ रही है। केसवी बिना समय गवाए उस बच्चे को बचाने के लिए दौड़ती है। केसवी बच्चे को तो बचा लेती है, लेकिन उसका एक पैर गाड़ी के पहिए के नीचे आ जाता है और उस दिन के बाद से केसवी लंगड़ाकर चलने लगती है। केसवी को लंगड़ाकर चलता देख राजकुमारी विशाखा उसका मजाक उड़ाने लगती है। ए लंगड़ी, चल जा और अपनी माँ से मेरे सिले हुए कपड़े लेकर आ, और हाँ जल्दी आना। लेकिन तू जल्दी कैसे आएगी, तू तो लंगड़ी है। आप चिंता ना करें राजकुमारी, मैं अभी आपके सारे कपड़े ला देती हूँ। ये हुई ना बात, लेकिन अभी रुको, पहले चलो दौड़ का प्रतियोगिता करते हैं। जो प्रथम आएगा उसे मैं अपने सोने का लहंगा दूंगी। ये सुनकर राजकुमारी की सारी सहेलियाँ बहुत खुश हो जाती है, लेकिन केस भी अपनी पैर की खराबी की वजह से मुंह लटकाए हुए खड़ी रहती है। क्या हुआ लंगड़ी, तू नहीं खेलेगी हमारे साथ? वैसे तो तू सारे काम भाग भाग कर अपने एक टांग से कर लेती है, फिर तू इस प्रतियोगिता को क्यों नहीं जीत सकती? सोच ले, तेरे जैसे गरीब के पास एक सुनहरा मौका है। अगर तू जीत गई तो मेरे ये सोने के लहंगे हमेशा के लिए तुम्हारे हो जाएंगे। राजकुमारी का लहंगा देखकर केसवी के मन में लहंगा पहनने का लालच आ जाता है और वो सोचने लगती है, राजकुमारी का लहंगा तो सोने का है और मैं ऐसा लहंगा तो अपने सपने में भी नहीं सोच सकती। मैं अपने जी जान से ये मुकाबला जीतने की कोशिश करूंगी और इस सोने के लहंगे को जीत लूंगी। केस में बाकी लड़कियों के साथ तेजी से भागने लगती है। तभी राजकुमारी विशाखा केसवी को अपने पैरों से गिरा देती है। बड़ी आई जीतने वाली लंगड़ी कहीं की, तुम्हें क्या लगा तू मेरे ये सोने के लहंगे जीत जाएगी? अरे ये लहंगे तुम गरीब को पहनना तो दूर, इसे छूने तक को नहीं मिलेगी, समझी लंगड़ी कहीं की। इतना बोलकर राजकुमारी वहाँ से चली जाती है और केसवी रोते हुए अपने घर आ जाती है और अपनी माँ के सिलाई के काम में मदद करने लगती है। केसवी बेटा, वो सोने का कपड़ा उठाकर देना, राजा के यहाँ से राजकुमारी के लिए सोने का लहंगा सिलने का आदेश आया है। माँ, राजकुमारी सबको अपना सहेली कहती है लेकिन मुझे लंगड़ी कहकर चिढ़ाती है, ऐसा क्यों है माँ? क्या मैं बाकी लड़कियों की तरह सर उठाकर नहीं चल सकूंगी? सब ऊपर वाले के हाथ में है बेटी, तू सब ऊपर वाले पर छोड़ दे, एक दिन सब सही हो जाएगा। ऐसे उदास मत हो मेरी प्यारी राजकुमारी। माँ, क्या तुम हमेशा राजकुमारी के लिए ही सोने के लहंगे बनाती रहोगी? माँ, मेरे लिए भी सोने के लहंगे बना दो ना माँ। बेटी, तेरी ये माँ बहुत गरीब है, लेकिन तू चिंता मत कर, अगर तेरी किस्मत में सोने का लहंगा लिखा होगा तो तुझे एक दिन वो सब जरूर मिलेगा। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता रहा। केसरी और राजकुमारी विशाखा दोनों अब बड़ी हो गई थी। एक बार प्रतापगढ़ राज्य में रायगढ़ के राजा वीरभद्र अपने राजकुमार वरुण के साथ आते हैं। आओ आओ मित्र, हमारे राज्य में तुम्हारा स्वागत है। अरे वाह, हमारे राजकुमार के जितने भी वीरता के किस्से सुने थे, राजकुमार उतने ही बहादुर और रूपवान दिख रहे हैं। अब सारी बात यहीं पे कर लोगे या मुझे बैठने को भी बोलोगे? माफ करना मित्र, आओ ना अंदर। उसके बाद सब अंदर चले जाते हैं। तभी राजकुमार वरुण को लड़कियों के हंसने की आवाज़ आती है। वो जब उस आवाज़ का पीछा करते हुए बगीचे में जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ लड़कियां राजकुमारी के साथ खेल रही है। तभी राजकुमार की नज़र केसवी पर जाती है, जो कि एक कोने में बैठकर
एक घायल चिड़िया को पट्टी कर उसे दाना खिला रही होती है। अरे तुम उन लड़कियों के साथ क्यों नहीं खेल रही हो? नहीं, मुझसे इस घायल चिड़िया का दर्द देखा नहीं जा रहा। मैं जब तक इस चिड़िया को ठीक न कर दूं, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। ये सुनकर राजकुमार केसवी को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। तभी राजकुमारी विशाखा ये देखकर राजकुमार के पास आती है। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आप कौन हैं? मैं रायगढ़ का राजकुमार वरुण हूँ। अच्छा, तो आप हैं वरुण। पिताजी आपकी बहुत प्रशंसा करते रहते हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं इस राज की राजकुमारी विशाखा हूँ। क्या आप हमारे साथ हमारे राज घूमना चाहेंगे? अगर आप चाहती हो तो क्यों नहीं। ठीक है, हम आपको कल प्रातः अपना राज दिखाने ले चलेंगे। ठीक है, मैं महल जाकर पिताजी को भी सूचित कर देता हूँ। उन्हें भी आपका राज देखने की बहुत इच्छा थी। उन्होंने कहा था अगर समय मिला तो राज भ्रमण के लिए निकलेंगे। हमने सुना है आपके राज्य में अद्भुत नदियाँ और अनोखे पंछी हैं। उसके बाद अगले दिन सभी राजकुमारी के साथ नगर घूमने निकलते हैं। तभी गांव के कुछ बच्चे राजकुमारी को देखकर खुशी से उनके पास आ जाते हैं। राजकुमारी, राजकुमारी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारे लहंगे को हाथ लगाया। सिपाही 10 कोरे लगाओ इसे और सभी कान खोलकर सुन लो। जब तक हमारी सवारी निकल न जाए सभी घुटनों के बल बैठ जाओ। क्या तुम लोगों को ये नहीं पता कि हम कौन है? चलो अब। राजकुमारी की सवारी को जाते ही केसवी लंगड़ाते हुए उन बच्चों के पास आती है। बहुत तेज दुख रहा है, ये लो मैं तुम लोगों के लिए हल्दी का लेप बना कर लाई हूँ। जल्दी से इसे लगा लो, इससे तुम्हें दर्द में आराम मिलेगा। तभी राजकुमार वरुण वहाँ आ जाते हैं। तुम्हारा क्या नाम है? क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी? मैं एक राजकुमार हूँ और मुझे हमेशा से तुम्हारी जैसी एक दयालु लड़की की चाह थी। देखिए, मेरी शादी का फैसला मेरी माँ ही लेगी, क्योंकि मेरा सब कुछ मेरी माँ ही है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं एक विकलांग लड़की हूँ। यह लड़की कितनी सच्ची और दयालु है, यही मेरी पत्नी बनने के योग्य है। पिताजी, मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। बेटा, मैं अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं करता। अगर आपको ये लड़की पसंद है तो मैं कल ही इनके घर रिश्ता भिजवा दूंगा। जैसे ही ये बात राजकुमारी विशाखा ने सुनी तो उसे बहुत ही बुरा लगा और वो महल वापस आकर राजकुमार वरुण से बोली, राजकुमार वो केस भी एक गरीब घर की लंगड़ी लड़की है। अरे वो तो ढंग से चल भी नहीं सकती और आप उसे जीवन साथी बनाने चले हैं। वो आपके जीवन के भागदौड़ में आपका साथ कैसे देगी? शारीरिक कमी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजकुमारी विशाखा, इंसान का नेक होना ही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। मुझे ये लड़की बहुत पसंद है, मैं इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। राजकुमार, तो क्या मैं आपके योग्य नहीं? वो लंगड़ी लड़की ही एक योग्य है, क्या वो मुझसे ज्यादा सुंदर है? देखो राजकुमारी, मुझे शारीरिक सुंदरता का कोई मोह नहीं, मैं तो एक समझदार एक सुयोग जीवन साथी चाहता हूँ। अगर ऐसी बात है राजकुमार, तो आप सिर्फ देखकर ही कैसे मान गए कि वो आपके योग्य है? क्या आपने इतना बड़ा फैसला करने से पहले एक बार उसकी परीक्षा लेना उचित नहीं समझा? हाँ, तुम्हारी ये बात सही है। अब तुम ही बताओ हमें कैसा मुकाबला करवाना चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि केसवी में इतनी हिम्मत, दुख का बोझ उठाने का इतना साहस है। ठीक है राजकुमार, हम दौड़ का प्रतियोगिता करवाएंगे। अगर वो प्रतियोगिता में भाग लेती है और जीतती है तो बेशक वो आपकी रानी बनने के लायक है, लेकिन अगर वो हार जाती है तो आपको मुझसे विवाह करना होगा। ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, इस प्रतियोगिता में तुम्हें भी भाग लेना, और अगर तुम जीत गई तो ही मैं तुमसे विवाह करूँगा। ये सुनकर विशाखा मन ही मन बहुत खुश होती है और सोचती है, मेरा विवाह तो आपसे होकर रहेगा राजकुमार। अब देखती हूँ वो लंगड़ी लड़की कैसे मुझसे दौड़ की प्रतियोगिता में जीतती है। अगले दिन विशाखा अपने पिता से कहती है, पिताजी राजकुमार वरुण विवाह के लिए दौड़ की प्रतियोगिता करवाना चाहते हैं। अगर केसवी इस दौड़ की प्रतियोगिता में जीत गई, तो ही वो उससे विवाह करेंगे, वरना मेरी जीत तो पक्की है। और आप देखना, राजकुमार वरुण से तो मेरी ही शादी होगी। महाराज उसकी बात सुनकर मान जाते हैं और पूरे गाँव में
प्रतियोगिता का ढिंढोरा पिटवा देते हैं। सुनो सुनो सुनो, गांव के सभी लोग ध्यान से सुनो, कल शाम शाही मैदान में दौड़ की प्रतियोगिता होगी और जो भी लड़की इस प्रतियोगिता में विजय होगी उसे सोने का लहंगा और सैंडल इनाम में दिया जाएगा और राजकुमार वरुण उसी से शादी करेंगे। जब ये बात केसवी को पता चलता है तो वो हिम्मत हार जाती है और वह सोचती है कि वह इस प्रतियोगिता में नहीं जाएगी। बेटी, तुझे ये प्रतियोगिता जीतनी ही होगी, तू हमेशा से चाहती थी ना कि तू भी राजकुमारी की तरह सोने का लहंगा और सैंडल पहने, तो बेटी वो समय आ गया है और मेरा मन कहता है तू ही इस प्रतियोगिता को जीतेगी। माँ बस भी करो, वो दौर की प्रतियोगिता है और आपको तो पता है मेरा एक पैर खराब है। माँ मुझे झूठे सपने नहीं देखने हैं, वहाँ सब मेरा मजाक बनाएंगे, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। बेटी, किस्मत बदलने से बदलती है। बेटी, तुम्हारे पास ये सुनहरा मौका है अपनी किस्मत बदलने का, और राजकुमार वो भी तो यही चाहते हैं कि तू उनकी रानी बने। फिर तू पीछे मत हट, भूल जा कि तेरे पैर खराब हैं, बस अपने लक्ष्य को याद करके दौड़ जा। जा बेटी, देखना तू ही जीतेगी और मेरा मन कहता है कि तू ही जीतेगी। जा बेटी। अपनी माँ के बार बार समझाने पर केस भी प्रतियोगिता में भाग लेने चली जाती है। उधर विशाखा भी प्रतियोगिता में जाने के लिए तैयार हो रही थी। वो जैसे ही केसवी को देखती है तो उसके मन में एक प्लान आता है। अरे केसवी, पगली तुम तो नंगे पैर आई हो। अरे प्रतियोगिता में बड़े बड़े घर की लड़कियां तुम्हारा मजाक बनाएगी, लेकिन चिंता मत करो, ये लो ये मेरी पुरानी जूती है, इसे पहन लो, आखिर तुम मेरी बचपन की दोस्त हो, तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। इतना बोलकर विशाखा मुस्कुराते हुए अपना जूती उसे दे देती है, जिसके अंदर बहुत सारे कीले गड़े हुए थे। भोली भाली केसवी विशाखा का वो कील वाली जूती पहनकर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार हो जाती है। राजकुमारी कितनी अच्छी है, दौड़ के समय मेरे पैरों में दर्द ना हो इसलिए उन्होंने मुझे अपनी जूती दे दी। वो सबका कितना ख्याल रखती है, मैं खामखाई उन्हें गलत समझ रही थी। महाराज सभी लड़कियों को दौड़ शुरू करने का इशारा करते हैं। सभी लड़कियां दौड़ना शुरू कर देती है। केसवी भी लंगड़ाते हुए दौड़ रही होती है, तभी उसके पैर में कीले चुभने लगती है। हे भगवान, एक तो जब से मेरा पैर टूटा है तब से मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं बची, लेकिन मैं इस बार ये प्रतियोगिता जीत कर अपनी माँ को जरूर खुश करूँगी। चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये प्रतियोगिता जीत कर रहूँगी। केसवी अपने मन में एक जुनून लिए दौड़ रही थी। उसकी आंखों में आंसू और पैर से खून निकल रहा था, लेकिन वो अपनी दौड़ की गति को और तेज करते हुए दौड़े जा रही थी। अरे ये केसवी तो सबसे आगे दौड़े जा रही है, खैर कुछ ही देर में वो सबसे पीछे नजर आएगी। बस जल्दी से मेरी जूती, अपना कमाल दिखा। विशाखा मन ही मन निश्चिंत होकर दौड़ रही थी, तभी उसकी नज़र केसवी के पैरों पर जाती है और वो हैरान हो जाती है। उसकी जूती के बाहर लाल लाल खून बह रहा होता है और केसवी बिल्कुल सही होकर सबसे तेज गति से भागे जा रही होती है। अरे ये क्या हो गया, क्या केसवी इस प्रतियोगिता को जीत जाएगी, क्या इसका विवाह राजकुमार से हो जाएगा। आह मेरे पैरों में तो बहुत दर्द हो रहा है, बाकी की भी लड़कियां रुक गई है, फिर ये केसवी क्यों नहीं रुक रही। आखिरकार केसवी इस प्रतियोगिता को जीत जाती है और जब उससे पूछा जाता है कि वह इस प्रतियोगिता को कैसे जीती और विकलांग होने के बाद भी उसकी गति इतनी तेज कैसे थी, तो वो कहती है, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मेरी जीत का कारण राजकुमारी विशाखा है। यदि उन्होंने मुझे अपनी किलो वाली नुकीली जूती मुझे नहीं दी होती तो मुझे दर्द नहीं होता और इस दर्द की वजह से मैं जल्दी से जल्दी इस प्रतियोगिता को पूरा कर लेना चाहती थी। विशाखा अपना सर झुकाकर वही खड़ी रहती है। केसवी, इस प्रतियोगिता के इनाम में सोने के लहंगे और सैंडल के साथ साथ मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और इसके लिए मैंने तुम्हारी माँ से भी इजाजत ले ली है, क्या तुम तैयार हो। महाराज मैं एक साधारण लड़की होने के साथ साथ विकलांग भी हूँ, आप कृपया करके राजकुमारी विशाखा से ही विवाह कर लीजिए, वही आपके योग्य है। तभी सब हैरान होकर केसवी की तरफ देखते हैं। तभी केसवी की माँ कहती है, अरे बेटी तू एक बार अपनी पैर को तो देख, तू अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, तू अब विकलांग नहीं रही बेटी। उसके बाद बड़े ही धूमधाम से केसवी और वरुण की शादी हो जाती है और राजकुमारी विशाखा
अपने किए पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होती है। जादुई 8 लहंगों वाला पेड़। बहुत समय पहले की बात है, जंगल से सटा एक गांव था जहां रामू नाम का आदमी अपनी बेटी के साथ रहता था। रामू की पत्नी सुमित्रा बहुत ही समझदार महिला थी। उस गांव के सभी लोग बहुत ही गरीब थे। वहां कमाई का एकमात्र जरिया खेती ही था, लेकिन रामू के पास जमीन नहीं होने की वजह से वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करके किसी तरह से अपने घर का गुजारा किया करता था। रामू की एक बेटी थी जिसका नाम राधा था। गांव में किसी भी तरह की सुख सुविधा नहीं होने के बावजूद भी गांव के सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर खुशहाल तरीके से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। तभी एक बार गांव में शहर से एक बड़ा सेठ अपनी पत्नी के साथ उस गांव में आता है। देखिए, हम लोग शहर से आप लोगों के लिए ही आए हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग भी हम लोगों की तरह अच्छा खाए, अच्छा पहने और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, ताकि बड़े होकर आपके बच्चे भी कुछ बने और आगे बढ़े। लगता है ये हमारे गांव में स्कूल खोलने वाले हैं। अरे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, आपका गांव शहर से काफी दूर है, इसलिए यहाँ पर कुछ कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सब हमारे साथ शहर चले, वहाँ आपको रहने और खाने की सारी सुख सुविधाएं दी जाएगी, ताकि आप अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे पाए। अरे, हम भला इस गांव को छोड़कर कहाँ जाएंगे? ये गांव तो हमारी जन्म भूमि है, इसी मिट्टी में हमने जन्म लिया है और एक दिन इसी गांव की मिट्टी में मिल जाएंगे। हाँ हाँ, हम इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। देखिए, आपकी बात तो सही है, लेकिन हम ठहरे गांव के सीधे साधे लोग, हमें हमारे हाल पर ही छोड़ दीजिए। हमें नहीं चाहिए आपकी ये शहर की चकाचौंध वाली जिंदगी, हम ऐसे ही खुश हैं। अरे, आप लोग तो नाराज ही हो गए, हम तो बस आपके भलाई के लिए ही कह रहे थे। अब आप लोग नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, हम ही आपके साथ यहाँ कुछ दिन और रुककर गांव का ही मजा ले लेते हैं। इतना बोलकर सेठ और सेठानी कुछ दिनों के लिए उसी गांव में रुक जाते हैं। लगता है ये गांव के लोग ऐसे नहीं मानेंगे, अब तो कुछ दूसरा उपाय ही करना पड़ेगा। जो भी करना होगा जल्दी करना होगा, अगर गांव वालों ने ये जमीन खाली नहीं किया तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। मैंने आर रावत से इसके एडवांस पैसे भी ले लिए हैं और उन्होंने सिर्फ मुझे एक महीने का ही मोहलत दिया है इस जमीन को खाली करवाने के लिए, क्योंकि यहाँ की लकड़ियाँ बहुत ही कीमती हैं और वो यहाँ पर अपने फर्नीचर की बहुत बड़ी फैक्ट्री लगवाना चाहते हैं। आप चिंता मत करिए जी, मैं इस बेवकूफ गांव वालों को ऐसा बेवकूफ बनाऊंगी कि किसी को भी नहीं पता चलेगा कि आखिर हम यहाँ किस लिए आए हैं। उसके बाद सेठानी देखती है कि गांव के लोग बिल्कुल भी नहीं मान रहे, तो वो उनके बच्चों को इम्प्रेस करने में लग जाती है। अरे राधा बेटी, इधर आओ, ये लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है, मैंने आज से पहले इतनी सुंदर फ्रॉक कभी नहीं देखी। वाओ, ये तो कुछ भी नहीं है बेटा, मैं तो तुम सबको और भी बहुत कुछ देना चाहती हूँ। सुनो सारे बच्चों, मेरे पास आओ, मेरे पास तुम सभी को देने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद सेठानी गांव के सभी बच्चों को सुंदर सुंदर फ्रॉक और चॉकलेट देती है। ये सब पाकर सभी बच्चे बहुत ही खुश होते हैं। बच्चों, ये तो कुछ भी नहीं है, शहर में तो इससे भी अच्छी अच्छी चीजें मिलती है, जैसे खेलने के लिए बहुत सारे खिलौने, खाने के लिए तरह तरह की मिठाइयाँ और पहनने के लिए खूब सारे रंग बिरंगे कपड़े। लेकिन क्या फायदा, तुम लोगों के मम्मी पापा तो कभी शहर में जाएंगे ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, मैं हूँ ना, जब तक मैं हूँ तब तक मैं तुम सबको ऐसे ही अच्छी अच्छी चीजें लाकर देती रहूँगी। राधा भी फ्रॉक और चॉकलेट लेकर खुशी खुशी अपने घर आती है। राधा के हाथ में इतना सुंदर फ्रॉक और चॉकलेट देखकर रामू कहता है, राधा बेटी, ये सब क्या है, कहाँ से लेकर आई हो ये सब? वो शहर वाली सेठानी जी ने दिया है, वो तो बहुत अच्छी है बाबा, वो सबके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेकर आई है शहर से।
बाबा, सेठानी जी बता रही थी कि शहर बहुत ही सुंदर है, इस गांव में कुछ नहीं रखा। बाबा प्लीज आप उनकी बात मान जाओ ना, ले चलो ना हमें शहर, हमें भी शहर देखना है। हमारे बच्चों की खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है, अगर हमारे बच्चे इसी में खुश हैं तो यही सही। क्या इसका मतलब आप शहर जाने के लिए मान गए? बाबा आप बहुत ही अच्छे हो। मुझे तो ये सेठ और सेठानी बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं लग रहे हैं जी, आप इन पर भरोसा करने की गलती मत करिएगा, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। ओहो सुमित्रा, तुम तो हर एक चीज शक की निगाहों से देखती हो, अगर वो इतनी ही बुरी होती तो हमारे गांव के बच्चों के लिए इतना सब क्यों करती? अब तुम ज्यादा मत सोचो, सब कुछ अच्छा ही होगा। सुमित्रा अपने कामों में लग जाती है। एक बार सुमित्रा खेत से रामू को खाना देकर घर वापस आ रही थी, तभी वह देखती है कि एक पेड़ के पास बैठकर सेठ और सेठानी आपस में बातें कर रहे हैं। और कितना टाइम लगेगा? ये गांव के लोग इतने सीधे तरीके से नहीं मानने वाले हैं, हमें अब कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। कौन सा तरीका? कल मैं गांव के सभी बच्चों को चॉकलेट में जहरीली दवाई मिलाकर खिला दूंगी, जिसे खाकर सभी बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। पर ऐसे में तो बच्चों की जान भी जा सकती है। अगर ऐसे में एक आधे बच्चे की जान जाती भी है तो चली जाए मेरी बला से, उसके बाद तो ये गांव वाले बाकी बचे हुए बच्चों के इलाज के लिए तो शहर जाने को तैयार हो ही जाएंगे ना। तब मैं उनसे उनके इलाज के बदले उनकी सारी जमीन अपने नाम करवा लूंगी। अरे वाह, मान गए, क्या दिमाग लगाया है। राधा की माँ सुमित्रा दूर खड़े ये सब सुन लेती है। खूनी दरिंदे, मैं तुम दोनों को इस मनसूबे में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं अभी गांव में जाकर तुम्हारे इन घटिया हरकतों के बारे में सबको बताती हूँ। तभी सेठानी सुमित्रा को कसकर पकड़ लेती है। अरे इतनी आसानी से कैसे चली जाओगी तुम? अब तो तुम यहाँ से सीधा स्वर्ग ही जाओगी। उसके बाद दोनों मिलकर उसे जंगल में ले जाकर एक पेड़ से बांध देते हैं। इसे यहीं छोड़ दो, बेचारी मरते मरते किसी जानवर के भूख के काम तो आ ही जाएगी। उसके बाद दोनों सेठ सेठानी वहाँ से चले जाते हैं और गांव में आकर अपने प्लान के मुताबिक सभी बच्चों को वो जहरीली चॉकलेट बांटने लगते हैं। इधर गंगा पेड़ से बंधी बेबस होकर रो रही थी। हे भगवान, हमारे गांव के मासूम बच्चों को इन दरिंदों से बचा लो, हमारी रक्षा करो भगवान, हमारी रक्षा करो। सुमित्रा रो रही होती है तभी पेड़ बोल पड़ता है। चुप हो जाओ सुमित्रा। कौन है? मैं एक जादुई पेड़ हूँ। पेड़ जी कृपया करके आप मुझे यहाँ से किसी तरह से आजाद कर दीजिए, वरना वे लोग हमारे गांव के मासूम बच्चों को मार डालेंगे। मुझे जाने दीजिए पेड़ जी। सुमित्रा, वे लोग बहुत ही खतरनाक हैं, तुम अकेले उनका सामना नहीं कर पाओगी। ये लो, ये 8 जादुई लहंगा है, इसका हर एक लहंगा जादुई है और वो तुम्हारे इस नेक काम में हर कदम पर तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन हाँ, ये एक लहंगा तुम्हारी एक बार ही मदद कर पाएगा, उसके बाद ये गायब हो जाएगा। सुमित्रा पेड़ का धन्यवाद कर उनसे वो जादुई 8 लहंगा ले लेती है और सबसे पहले लहंगे से कहती है, हे जादुई लहंगा, मुझे जल्दी से मेरे गांव पहुंचा दो। सुमित्रा के इतना बोलते ही वो गांव में आ जाती है, लेकिन तब तक काफी बच्चों ने उसके दिए हुए चॉकलेट खा चुके होते हैं। मुखिया जी, ये लोग बहुत ही लालची और मक्कार लोग हैं, इसने हमारे भोले वाले बच्चों को दवाई खिला दी है। सुमित्रा तुम ये क्या कह रही हो? सुमित्रा के मुंह से ये सुनते ही सेठ और सेठानी जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी सुमित्रा अपने दूसरे लहंगे से कहती है, हे जादुई लहंगा, इन दोनों दुष्ट को उसके किए की सजा दो। सुमित्रा के इतना कहते ही लहंगे में से एक जादू होता है और उनका कार जाकर एक पेड़ से टकरा जाता है और उन दोनों सेठ सेठानी की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। सुमित्रा देखो ना, हमारी राधा को क्या हुआ, वो आंखें नहीं खोल रही है। राधा बेटा, इस तरह से जिन जिन लोगों के बच्चों ने चॉकलेट खाया था वे सारे बच्चे बेहोश होकर जमीन पर गिर रहे थे। गंगा ये सब देखकर अपने तीसरे लहंगे से कहती है, हे जादुई लहंगा, हमारे गांव के सभी बच्चों को ठीक कर दो। सुमित्रा के इतना कहते ही सभी बच्चे पहले की तरह ठीक हो जाते हैं।
फिर मुखिया जी समेत गांव के सभी लोग सुमित्रा का धन्यवाद करते हैं। मुखिया जी, आप लोग मेरा धन्यवाद नहीं बल्कि जादुई पेड़ के जादुई 8 लहंगों का धन्यवाद कीजिए। इन्हीं की वजह से ये सब हो पाया है। सभी लोग उन लहंगों का धन्यवाद करते हैं। अभी भी पेड़ का जादुई 5 लहंगा बचा हुआ था। गंगा उन हरेक लहंगे से अपने गांव के लोगों के लिए जरूरत की सारी चीजें मांगती है। वो चौथे लहंगे से गांव में स्कूल बनवाती है और पांचवे लहंगे से हॉस्पिटल बनवाती है। छठे लहंगे से गांव में सभी के लिए अच्छा अच्छा घर मांगती है और सातवें और आठवें लहंगे से खूब सारे पैसे मांगती है। उसके बाद आठों के आठों लहंगे गायब हो जाते हैं और सभी गांव वाले अब खुशी खुशी अपने ही गांव में रहने लगते हैं।